भारत में पाई जाने वाली, स्पेशली हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाई जाने वाली गायें हिसारी गाय कहलाती हैं। आज जब मैं ये कह रहा हूँ तो निश्चित है कि काफ़ी ब्रीडर्स और काफ़ी जो बड़े पशुपालक हैं जिन्होंने ब्रीड पर कब्जा कर रखा है, ऐसे उन ब्रीडर्स को जरूर से मिर्ची लगेगी। आज मैं आपको चोलिस्तानी और साथ ही साथ लोहानी नस्ल, साथ ही जो इशारी नस्ल है, जो इशार के आसपास जो पाई जाती है गायें, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए साथ ही साथ देसी नस्लों के बारे में जागरूकता फैले, जानकारी बढ़े, इस पर्पस से मैं आज का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी पशुपालक जो छोटे किसान हैं वो नस्लों के अंदर भेद नहीं करते हैं, या जो झुंड में हर्डल में जो पशु पालते हैं वह भी इन नस्लों में भेद जानते हैं लेकिन भेद करते नहीं हैं। साथ ही साथ हमारी सरकार जिसकी उदासीनता से जो देसी गोवंश है उनकी नस्लों में वर्गीकरण सही तरीके से नहीं हो पाया है, जिस वजह से जिस एरिया की देसी गोवंश यदि वह कम संख्या में है तो उनका वर्गीकरण नहीं हो पाया है, इस वजह से वह नस्लें खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यह हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है, साथ ही यह हमारे लिए शर्म का विषय तब हो जाता है जब हम इन नस्लों का नाम भी उच्चारण करते हैं तो काफ़ी लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ जिससे शायद उन ब्रीडर्स का भी पेट का दर्द शायद कुछ कम हो जाएगा। सबसे पहले हम चोलिस्तानी नस्ल के बारे में बात करते हैं। जब हम चोलिस्तानी नस्ल के बारे में बात करते हैं या देसी गोवंश के बारे में जब भी हम कोई विचार रखते हैं तो हमारा विचार आज के जो भौगोलिक क्षेत्र भारत है उसकी अपेक्षा अखंड भारत की परिकल्पना करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो भारत अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, वहाँ पर जो भी देसी गोवंश पाई जाती है उन्हें भारतीय नस्लें कहा जाता है। इन नस्लों के अंदर कुबड़ यानी कि हम्प, या देसी भाषा में कहें तो इसे थुई कहा जाता है, जो इंग्लिश भाषा के अंदर जेबू प्रजाति कहा जाता है, जिनमें अगले पैरों के ऊपर कुबड़ नुमा उभार देखने को मिलता है, वह गायें जेबू प्रजाति की कहलाती है। इन सभी को हम देसी गायों में वर्गीकरण करते हैं। इनमें सूर्य केतु नाड़ी मिलती है जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करके स्वर्ण क्षार उत्पन्न करती है, जो कि उस गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र यानी कि पंचगव्य कहें उनके अंदर मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि दूध, दही और घी जो देसी गोवंश का है वह पीलापन लिए हुए रहता है। उसके पीछे का भी एक कारण यह भी है, माँ के दूध के सबसे नज़दीक का दूध देसी गोवंश का कहलाता है। नस्लों का वर्गीकरण बहुतायत में पाई जाने वाली गायों का ही हो पाया है, लेकिन जैसा चोलिस्तानी नस्ल के बारे में बता रहा हूं मैं, जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है, यानी कि जब आप भारत को 1947 से पहले का आंकेंगे तभी आप इन देसी गोवंश के साथ सम्मानजनक इनको स्थिति में लेकर आ पाएंगे। यदि आप आज के भारत 1947 के पश्चात के भारत को देखते हैं तो आप चोलिस्तानी नस्ल को अपनी भारतीय नस्ल नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि 1947 से पहले यानी कि विभाजन से पहले भी भारत भारत ही था। उस समय जो भी चोलिस्तान प्रांत जो आज पाकिस्तान के अंदर है वहां पर पाई जाने वाली नस्लें चोलिस्तानी नस्लें कही गई, लेकिन भारत के अंदर इसी तरीके से लोहानी नस्ल जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, ऐसी नस्लें जिनका हम वर्गीकरण नहीं कर पाए, इस वजह से वह सभी नस्लें राठी नस्ल के अंदर मिक्स करके बताई गई। लेकिन राठी नस्ल के करैक्टरिस्टिक्स को आप सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रमाणिक जो बॉडी के करैक्टर्स हैं उनके अनुरूप आंक सकते हैं।
उनमें चोलिस्तानी और लोहानी नस्ल की गायें फिट नहीं बैठती है। उसी तरीके से हरियाणवी नस्ल गाय के जो हरियाणा के नज़दीक के प्रांत जैसा कि राजस्थान और कुछ हिस्से पंजाब और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के भी लगते हैं, वहाँ पर भी हरियाणवी नस्ल की गाय मिलती है। लेकिन हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, उसके आसपास लगते हुए राजस्थान के जो कुछ ज़िले हैं उनमें भी हिसार नस्ल की गायें मिलती है। हिसार नस्ल के बारे में जैसे ही मैं कहता हूँ तो काफ़ी पशुपालकों के सवाल जरूर से आएंगे कि हिसार कौन सी नस्ल है। यह हरियाणवी नस्ल से मिलती जुलती गायें है, जिसे हिसार के आसपास के एरियाज के अंदर देसी गाय कहा जाता है। देसी गाय तो सभी कुबड़ वाली गायों को कहा जाएगा, लेकिन इनका वर्गीकरण नस्ल के आधार पर नहीं हो पाया है, इसलिए इन्हें साधारणतः बोलचाल में देसी गाय कहा जाता है। लेकिन यह हिसार ब्रीड है, जैसा मैं आपको यह पिक्चर भी शो कर रहा हूँ, यह पाकिस्तान से एक पब्लिकेशन हाउस है उसकी एक बुक से लिया गया है, जिसमें हिसार नस्ल को पहचान दी गई है। जब यह हिसार नस्ल पाकिस्तान में भी मिलती है फिर भी ये इसे हिसार नस्ल कहते हैं, और हमारे हिसार के अंदर नज़दीक पाए जाने वाले एरियाज के अंदर भी यह नस्ल मिलती है, फिर भी हम इसे हिसार या हिसारी नस्ल कहने में हिचकिचाते हैं। यही हमारा दोगलापन है। देसी गोवंश के प्रति यदि हमारा ऐसा दोगलापन रहेगा तो निश्चित ये नस्लें बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगी। समाप्त होने के कगार पर तो ये जरूर से हैं, चाहे से आप सरकार के उदासीनता को इसका हवाला दें या आप अपनी समझ को भी हवाला दें, या कुछ ब्रीडर्स जो स्पेशलाइज ब्रीड के अंदर काम करते हैं वह इनका वर्गीकरण अपने आधार पर करते हैं, तब यह स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है कि जो देसी नस्लें जिनका वर्गीकरण नहीं हो पाया है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन इनको समाप्त नहीं हो पाना इसका एक कारण जो लोकल के जो लोग हैं जो जहाँ रहते हैं वह उन नस्लों से प्रेम करते हैं, साथ ही जो झुंड में पशु पालते हैं वह उनके बुल रखते हैं, जिसकी वजह से ये देसी गोवंश आज तक बची हुई रही है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो डिटेल दे रहा हूँ वह डिटेल मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी कंटिन्यू करके इसका लिंक दूंगा, जहाँ से आप सभी गायों की नस्लों की पहचान कैसे की जाए उसके ऊपर मैंने एक लिंक दिया है। वह एक वेबसाइट है जिस पर विश्व में पाए जाने वाली सभी नस्लों के नाम और साथ ही उनके करेक्टर्स और किन एरियाज के अंदर पाई जाती है इनका डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यह काफ़ी अच्छा संग्रह है, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी नस्लें ऐसी है जो कहाँ कहाँ किन एरियाज के अंदर पाई जाती है, जिन एरियाज में जो नस्लें पाई जाती है उनकी बहुतायता जहाँ पर भी है वहाँ पर उन नस्लों को बचाया जाए, तभी देसी गोवंश को बचाने के प्रयास सार्थक होंगे। आज जब मैं चोलिस्तानी नस्ल के बारे में बता रहा हूँ तब चोलिस्तानी नस्ल शायद नज़दीक के समय में खत्म होने के कगार पर चली जाएगी। कुछ जो झुंड में रखने वाले पशुपालक हैं उनके पास इनके बुल्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिमन इन गायों का नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये गायें खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ लोहानी ब्रीड जो भी काफ़ी रेयर मिलती है, यह राजस्थान और पंजाब के कुछ बॉर्डर एरियाज है उन्हीं के अंदर आसानी से मिलती है। चोलिस्तानी और लोहानी नस्ल दोनों इन्हीं जगहों पर आसानी से देखने को मिलेगी। हिसार जो नस्ल है, जो हिसारी नस्ल है, वह हिसार और उसके आसपास के जिलों में जो राजस्थान से सटे हुए हैं, साथ ही पाकिस्तान से जो सटे हुए इलाके हैं, जो पंजाब के एरिए और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जो पाकिस्तानी बॉर्डर के एरिए हैं वहाँ पर भी ये नस्ल आसानी से मिलती है। उन्होंने इसका वर्गीकरण हिसार नस्ल के रूप में किया है, लेकिन भारत के साथ ये विडंबना है कि भारत ने अभी तक हिसार नस्ल का वर्गीकरण नहीं किया है, उन्होंने हरियाणवी नस्ल में इसको मिक्स करके रख दिया है। और जब ये नस्लों का वर्गीकरण होता है, जब आप इन नस्लों की पहचान करते हैं तो इन नस्लों को आप हटा देते हैं, जो नस्लें वर्गीकरण में नहीं आई है उन नस्लों को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से ये नस्लें खत्म होने के कगार पर पहुंची है। मेरा ये वीडियो इतना लंबा बनाने का साथ ही आपको जानकारी देने का मकसद यह है कि आप इन नस्लों की पहचान करें और उनके नाम से उनको उच्चारित करें, ताकि इन नस्लों को बचाने के लिए भी
इन नस्लों को बढ़ाने के लिए भी कुछ मुहिम चले। मैं भी कोशिश करता हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। मेरा कठिन प्रयास रहता है कि मैं आपको उन नस्लों के बारे में अवगत करवाऊँ, साथ ही साथ इन नस्लों को बचाया कैसे जाए, ये बहुतायत में आपको कहाँ से मिलेगी इस बारे में भी जानकारी दूँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लिंक चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।